स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद व्लॉग में। और आज की हमारी ट्रेन इन्फॉर्मेशन है 20826 नागपुर बेलसपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको फर्स्ट टाइम 12 दिसंबर 2022 को चलाया गया था नागपुर रेलवे स्टेशन से। ये ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन से 2:05 को डिपार्च होती है और बेलसपुर रेलवे स्टेशन पर 7:35 को पहुँच जाती है। ये ट्रेन मंडे टू सैटरडे है और संडे के दिन इस ट्रेन का ऑफ होता है। ये ट्रेन 412 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए 5:30 का समय लगाती है। ये ट्रेन के 4 होल्ड्स होते हैं। इस ट्रेन की औरेज स्पीड 74 किलोमीटर पर आ रहे है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आ रहे। इसी के साथ अगर इस ट्रेन के कोचेस की बात की जाए तो एसी चेयर कार के 13 डिब्बे हैं न्यू एलएचबी कोचेस के साथ, एग्जीक्यूटिव क्लास के 2 डिब्बे हैं न्यू एलएचबी कोचेस के साथ। और इसी के साथ हम अगर बात की जाए इस प्राइस की तो एसी चेयर कार के इसमें आपको 1240 रुपये देने होंगे और एग्जीक्यूटिव क्लास के इसमें आपको 2240 रुपये देने होंगे। और इस ट्रेन के स्टेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इस ट्रेन का नागपुर से निकलने का टाइम 2:05 में है आफ्टरनून में। इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप होता है गोंदिया जंक्शन और ये ट्रेन ने लगभग जो है तो 129 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। इसी के साथ इस ट्रेन का दूसरा स्टेशन होता है राजनांदगांव और इस ट्रेन ने जो है तो अब तक 234 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और इसी के साथ इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप होता है उसका दुर्गा जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग इस ट्रेन ने अब तक 264 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप जो होता है वो होता है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन ने अब तक जो है तो 301 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप जो होता है वो होता है बेलसपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन। और इस ट्रेन का जो है तो अराइवल टाइम यहाँ पर 7:35 है और इस ट्रेन ने अब तक जो है तो 412 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ये थी हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।